करो तो ऐसा कैसा क्या संघर्ष करें इंसान के लिए, समाज के लिए क्या संघर्ष करें। चलो अगर ये बात भी हमसे पूछते तो एक बात हम कहते हैं, शिक्षा के लिए संघर्ष करो। शिक्षा समान हो, निःशुल्क हो, पूरे भारत में शिक्षा समान हो और निःशुल्क हो, इस विषय में संघर्ष करो। अगर ये संघर्ष प्रचंड रूप ले ले तो फिर कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं, ना तो किसान संघर्ष करने की जरूरत, ना व्यापारी संघर्ष करने की जरूरत, ना मजदूर संघर्ष करने की जरूरत, कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं। शिक्षा के विषय में संघर्ष करो। आज भ्रष्टाचार जो फैल रहा है वो शिक्षा के व्यापारीकरण के कारण फैल रहा है। जो रिश्वतखोरी बढ़ रही है किस कारण बढ़ रही है, कहीं भी किसी विभाग में जाओ रिश्वत, क्यों? उसका बेटा पढ़ाई के लिए कर रहा है कोशिश, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी बेटी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे, तो पैसा इकट्ठा करता है वो, जायज नजायज कैसे पैसा इकट्ठा करता है, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, नहीं सुनते, सब देखा ही होगा, इतनी जी तोड़ मेहनत क्यों करते हो भाई? सुना होगा गाँव में, अरे हमारी कमाई तो हमारे बच्चे हैं कामयाब हो गए और नहीं जमा किया कुछ भी हमने, हमारी कमाई, किसी के तो पूरी जीवन अपने बच्चों को बनाने में लग जाती है। आज अगर जमीन बांटी जाए, औसत औसत जमीन बांटी जाए तो कितनी जमीन आएगी, जो किसान कितने बीघे किसान होगा इस आजकल, 5 बीघे का, 50 बीघा तो बहुत कम पे है, औसत लगाया जाए उनके बच्चों में बांटी जाए जमीन तो 5 बीघा होगा, तो 5 बीघे का किसान कहाँ होगा, ना तो मजदूर ना हो किसान। अगर शिक्षा फ्री हो जाए, एक समान शिक्षा हो जाए, फ्री हो जाए, तो आधे से ज़्यादा भ्रष्टाचार मिट जाए। बड़े बड़े जो कॉलेज हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में, बेचारा एक गरीब का बच्चा यूपी बोर्ड की पढ़ाई कर रहा है, उसके अंदर पहले ही हीन भावना आ रही है, अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं। एक बड़े बड़े जो सिलेबस हैं, ICSE बोर्ड पढ़ रहा है, CBSE बोर्ड पढ़ रहा है, उसके अंदर अलग है, मैं तो वहां तक पढ़ाने की हिम्मत नहीं। अगर शिक्षा एक समान हो जाए, निःशुल्क शिक्षा हो जाए, तो नहीं है ये इंसानियत के लिए किया गया कार्य, इंसानियत के लिए किया गया संघर्ष? जैसे क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया, ऐसे ही इंसानियत खुशहाल रहे उसके लिए हम संघर्ष करें, शिक्षा एक समान हो, निःशुल्क हो। जब एक समूह बड़े विशाल समूह से जब आवाज़ उठती है ना, तो कोई भी शासन करने वाला उसकी बात को मानता है, ये इंसानियत का कार्य है। हम ऐसा एक संघर्ष करें, एक ऐसा आंदोलन करें जिसमें कि हम शिक्षा पर जोर दें, शिक्षा हमको एक समान मिलनी चाहिए, शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए, 6ठी क्लास से डॉक्टर इंजीनियर तक। शिक्षा महंगी हो गई है, क्या देखा होगा कितना, एक हमें बड़ा एक घटना बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली घटना लगी, बड़ी अमानवीय हैवानियत का काम शिक्षा के कारण, इसको सुनना। एक के बच्चे का देहांत हो गया, जिसके यहाँ, जिस डॉक्टर के यहाँ था वो, उन्होंने उसे 3 दिन तक वेंटिलेटर पे लड़ रखा है, वेंटिलेटर पर, मर तो गया था पहले, 3 दिन तक वेंटिलेटर, अपना फीस बढ़ाने के लिए, बच्चे से नहीं हमदर्दी, उसके माँ बाप से हमदर्दी नहीं है, पैसा हमने खर्च किया है ना वो MD बनने में, MBBS करने में। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है, सबकी नहीं लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है, खर्चा किया है, लाखों रुपए खर्च किए हैं, वो पैसा कैसे उगे? नॉर्मल डिलीवरी को ऑपरेशन बना देते हैं कुछ, क्यों? पैसा खर्च किया है ना, पैसा खर्च किया कैसे करें? अगर हम ये साधना अंदर की उपासना करते करते, अंदर की पूजा करते करते, इस शिक्षा के लिए संघर्ष हो, एकजुट हो, शिक्षा के लिए हम आवाज उठाएं, तो ये कोई असंभव कार्य नहीं है।
जब पूछ ही रहे हो तो हम बता रहे हैं, ना पूछते तो हम बताते भी नहीं। हम तो सोचते पहले अपने आप ढूंढो किस विषय पे संघर्ष करें, कौन सा ऐसा विषय जिस पे संघर्ष करें। हम अगला जो कार्यक्रम होता उसमें हम पूछते, लेकिन जब हमसे पूछ लिया गया इसलिए हम उत्तर दे रहे। आम आदमी जो परेशान है वो अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए परेशान है, कैसे भविष्य बनाऊं। उसमें वो रिश्वत भी लेता है, कुछ गलत काम भी करता है, किसी का हक भी मारता है, किसी के सब काम करता है। वो उसकी मजबूरी है, वो अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है। कैसे बनाए भविष्य, भयभीत है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। इतनी प्रकृति में इतनी दौड़ हो रही है उन्नति की, मेरे बच्चे दौड़ में पिछड़ ना जाए, तो हायर एजुकेशन जरूरत है और एजुकेशन के धन की जरूरत है, और धन के लिए कुछ भी वो कर देता है। कहीं भी चले जाओ, किसी विभाग में चले जाओ, देखो अपने आपस में पूछ लो, चिंता किस बात की है। बच्चे बन जाएं, शिक्षा मिल जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक तो ये उपासना सीखो, अंदर की पूजा सीखो, एक बात, एक शिक्षा के लिए संघर्ष के लिए एक हो जाओ। और ये धारणा रहे, हे परमात्मा हमें इसका लाभ ना मिले, भले ही हमें इसका लाभ ना मिले, हमारे भले ही बच्चों को लाभ ना मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ी, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों से लाभ मिले। क्रांतिकारियों ने ये नहीं कहा आजाद देश आजाद होगा तो हमें इसका लाभ मिलेगा, हमें लाभ भले ना मिले, आने वाली जो पीढ़ी हमारी उसे लाभ मिले, हम आजाद। परमात्मा इसमें सफलता देता है, जब ये भावना रहती है ना तो परमात्मा सफलता देता है। संघर्ष हम करेंगे, आने वाली पीढ़ी इसका लाभ उठाए, धन्यवाद दे हमें। जब ये भावना अंदर रहती है परमात्मा पूरी मदद करता है। और एक बार उठ के देखो तो सही, परमात्मा मदद करेगा। देख लो, ये भी जांच लो हमारी बात को, हर एक बात को बिना जांचे मानना मत, ठीक है।